इंदौर ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवा दे रहे प्रदीप वर्मा का सम्मान किया गया। इस बीच समिति अध्यक्ष शैलेंद्र सेन सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। वर्मा विगत 2.5 महीनों से जूनी इंदौर मुक्तिधाम में दिन रात सेवा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में जहां परिजन भी अंतिम समय में अपनों के बीच नहीं रह पा रहे हैं, उस बीच प्रदीप वर्मा के सराहनीय कार्य को SW24 न्यूज टीम सलाम करती है। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। किस प्रकार के आज इसमें आपको कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया गया? जूनी इंदौर मुक्तिधाम में आज की महामारी के अंदर जिन जो मर रहे हैं, जो कोरोना के अलावा भी कोई अटैक से मर रहा है, शुगर से मर रहा है, बीपी से मर रहे हैं, उनके घर वालों उनको हाथ लगा नहीं रहे हैं, उनको डेड बॉडी को देखने तक नहीं आ रहे हैं, उनका दाह संस्कार करना। वहाँ पर परिवार वाले भी नहीं जा रहे हैं, उसके बीच आपकी सेवा कर रहे हैं दिन रात, तो इसमें किस प्रकार से आपका ध्यान रख रहे हैं? मैं अपना ध्यान किट पहनकर सैनिटाइज करके और मेरे वहाँ जो ग्रुप है 2 जनों का, उनकी भी सेफ्टी देख कर कार्य कर रहे हैं। कितने समय से कर रहे थे आप? मैं करीब अभी हर 2.5 महीने से कर रहा हूँ। ये सर, आज कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया गया था, तो किस उपलक्ष्य में दिया गया है? केंद्रीय समिति सैन समाज इंदौर द्वारा मानव सेवा माधव सेवा है, यह देखकर हमारे समाज के ही सैन समाज के गौरव प्रदीप जी वर्मा द्वारा विगत 3 माह से चुनी इंदौर मुक्ति धाम पे कोरोना वायरस से शांत होने वाले, हार्ट अटैक से शांत होने वाले, जिनके परिजन हाथ नहीं लगाते हैं, जिनके परिजन आ नहीं रहे हैं, उनकी डेड बॉडी का दाह संस्कार विगत 3 माह से चुनी इंदौर मुक्ति धाम पर प्रदीप जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि वो कोरोना में इतनी बड़ी महामारी में इतना बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर केंद्रीय समिति सैन समाज इंदौर द्वारा उनकी हौसला अफजाई हेतु आज उनको सम्मानित किया है। क्योंकि हमारा काम तो ऐतिहासिक करने का था, मगर ये महामारी की जो राष्ट्रीय आपदा आई हुई है, उसको देखते हुए हमने सिर्फ हमारे समाज के गौरव प्रदीप जी का हौसला अफजाई हेतु आज हमने सैन चौराहे पर सम्मान कराया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।